हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आ चुका हूँ मैं एक और गेम प्ले के साथ और जा रहा था मैं पुचिंकी में। और ये आम गेम प्लो की तरह गेम प्ले नहीं है, इसमें मैंने चैलेंज कंप्लीट किया एक। तो देखो गाइस, तो गाइस करना ये है, जो मेरे को पहली गन तो मेरी मर्जी की, मैं जो भी उठा सकता हूँ। अब जैसे मेरे को पिस्टल मिली है, और अच्छी गन मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे को पिस्टल से ही बंदा पेलना पड़ेगा। उसी टाइम मैं ऊपर आता हूँ लूटने, यहाँ भी कोई गन नहीं मिलती, इतने में बंदे उतरते हैं यहाँ पे। तो भैया जी हमको मिलते हैं यहाँ पे, इनको तो यहीं पे भरता हूँ। तो अब इन भैया जी के पास गन नहीं थी, तो इनमें से मैं गन ले नहीं सकता। अब जैसे जैसे मैं बंदे मारूँगा, मेरे को उनकी क्रेट में से कोई भी एक गन उठानी पड़ेगी और अपनी एक गन छोड़नी पड़ेगी, जिससे मैं उसको मारूँगा। तो देखो गाइस, अब पता लग ही जाएगा। तो इतने में मेरे को एक और फुटस्टेप्स आते हैं, मेरे को लगता है उसका पक्का टीममेट होगा, गन लेके आएगा। और मेरे पास थी पिस्टल, मेरी फट रही थी। मैं नीचे जाता हूँ और ये हमारे बोट दादा निकलते हैं। तो अब देखो गाइस, जैसे मैं इसको पिस्टल से पेल रहा हूँ और इस बोट के पास है AKM। अब मुझे AKM लेनी पड़ेगी। अब जैसे अब मैं AKM से किसी बंदे को मारूँगा और उसके पास पिस्टल हो या कोई भी गन हो, वो मेरे को लेनी पड़ेगी अब। तो बस अब मैं यही चाहता हूँ कि इसे पिस्टल या स्नाइपर या शॉटगन किसी पे भी ना हो, सब पे AR ही हो, नहीं तो मेरे ही लगेंगे। इतने मुझे दिखता सामने एक भैया जी, उसे मैं नॉक करता हूँ। अब देखो गाइस, अब इस बंदे को मैंने पेल दिया, फिनिश भी कर दूंगा। अब मेरे को गन चेंज करनी है और इसका टीममेट भी इसके साथ में ही है, तो ये गन चेंज होनी पड़ेगी यहाँ पे। पूरी टीम ख़त्म करूँगा फिर मैं गन चेंज करूँगा। तो देखो गाइस, बिल्कुल इस हाथ में बैठे थे भैया जी हमारे। थोड़े पौए मार लेता हूँ, क्या पता मेरे को ही पेल दें। अब मैं सोचता हूँ उसको लूट लूँ। इतने भैया जी के फुटस्टेप्स आते हैं और मेरे को भैया जी दिखते हैं यहाँ पे आते हैं, मेरे को लगता है इधर ही आ रहे हैं। मैं फ्री फायर करता हूँ पर घर में होते हैं। मैं इधर चेक करता हूँ, यहाँ ना आए हो, इधर नहीं आए। पर अब भैया जी आराम से बैठे थे कोने में, खेलते हैं ना। अब इनके पास जो गन थी मेरे को वो लेनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कौन सी है। तो अब मैं इनमें से उजी ले लेता हूँ। अब मैंने AKM छोड़ी, उजी ली। तुम अपनी फेवरेट की गन ले सकते हो, जो भी हो। अब इतने में सामने से हमारे बोट दादा आएंगे, अब उन्हें पेलते हैं। अब उनमें से देखते हैं कौन सी गन है। अब गन मिलती है मेरे को इसमें से M4, तो मैं M4 ले लेता हूँ इसमें से। अब मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ तो एक और बंदा दिखता है मुझे, शायद DC हो रखा था। इतने में जाता हूँ तो भैया जी हिलने भी लगते हैं, तो इन्हें करते हैं फिनिश। अब इन पे जो गन है मेरे को लेनी पड़ेगी। इस पे थी स्कारल, तो मैं स्कारल लेता हूँ। अब निकलते हैं पुचिंकी से, यहाँ पे कोई और रह नहीं गया था। अब मैं सीधा आता हूँ स्कूल की तरफ, क्या पता यहाँ पे कोई कैंप करके बैठा हो। देखते हैं यहाँ से क्लोज से लेंगे, किसी के फुटस्टेप्स आ जाएं, पर कोई भी नहीं दिखता। इतने में सामने से आती है हिल से फायरिंग, तो देखते हैं उन्हें भी। मैं जाता हूँ और मुझे भैया जी हमारे दिख भी जाते हैं, टहल रहे थे आराम से ऊपर। कभी भी गाइस मुंह पे मत रोको गाड़ी, क्या पता पूरी टीम हो, दो बंदे हो, या तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो पूरी स्क्वाड हो। वैसे तो मैं डुओ खेल रहा हूँ, क्या मेरे को लग रहा था कि दो बंदे होंगे और पता नहीं था। अभी भी एक बंदा तो दिखता है मेरे को, पर दूसरा नहीं दिख रहा था। इतने मैं निकालता हूँ अपनी निंजा टेक्निक, गाड़ी लेने जाता हूँ, थोड़ी सी करता हूँ, मेरे को लगाएगा बंदा, पर बंदा नहीं आता। फिर मैं सोचता हूँ राइट से जाता हूँ, ओपन से जाऊंगा तो ये पेल देगा मेरे को। अब मैं राइट से फ्लैंक मार चुका था और भैया जी हमारे यहाँ पता नहीं स्मोक कर रहे थे, और भैया जी मुझे दिखते हैं ऊपर चढ़ते हुए। अब मुझे पता था ऊपर चढ़े हैं। अब मैं एक नेट कुक करके फेंकूँगा, बहुत ही वाहियात नेट था, मेरे को लगा अंदर जाएगा पर पता नहीं कहाँ ही फटा ये। अब दूसरा नेट तो उससे भी ज़्यादा वाहियात था, पता ही नहीं कहाँ फटा, डर डर के बारे में पूरा कुक होके फेंक दिया। इतने में और राइट जाता हूँ थोड़ा, अब मुझे पता लग गया था एक ही बंदा है, तो इसको आराम से पेलेंगे। इतने मुझे भैया जी दिखते हैं, मैं थोड़ा फ्री फायर करता हूँ, थोड़ा डैमेज भी होते हैं हमारे भैया जी। अब मुंडे नहीं निकालेंगे, अब वापिस जाता हूँ, खेलते हैं इन्हें। और अब ये नोक हुआ था, मुझे लग रहा था इसका बंदा आसपास ना हो,
मैं डर रहा था। अब इसमें से गन लेते हैं हम, पहले थोड़ी हेल्थ कर लेते हैं। क्या पता इसका बंदा आ जाए यहाँ पे, फेल जाए मेरे को। अब इसमें से मैं अपनी मनपसंद गन उठाऊंगा एक, तो मैं M4 उठा लेता हूँ इसमें से। अब इसके कपड़े भी उठा लूँगा, मेरे को इसके कपड़े बड़े अच्छे लगे थे। अब निकलते हैं यहाँ से लूट के इसको। तो अब गाइज हम आ चुके हैं फेरी पेयर के सामने वाली जगह पे। इस जगह का मेरे को नाम नहीं पता क्या है। तो मुझे दिखती है सामने एक बग्गी, और भैया जी भी हमारे दिख जाएंगे मेरे को। और अब देखना गाइज, मेरे आगे से भैया जी जाएंगे और मेरे को नहीं पता कहाँ आए, ध्यान कहाँ था मेरा, इतना नूब बंदा। अब इसको मैं मारता हूँ। अब काश इस पर अच्छी गन हो, शुक्र है M4L थी। लेता हूँ मैं इस, अब वहाँ से मैं इसको लूट के निकलता हूँ। मैं सोचता हूँ पुल ब्लॉक करने की, तो जाता हूँ मैं सीधा पुल पे जा रहा था। तो अब देखना गाइस, क्या ही नागिन थी हमारी, इतनी अच्छी नागिन थी, पूरा इच्छाधारी। बग्गी भी दिख जाती है मेरे को बंदा। गाइस देखो नागिन दिखी तुम्हें, कैसे नागिन बनी हुई है ओपन में नागिन बनी हुई थी और रेंग रही थी यहीं पे। पर इतने मुझे पीछे से कोई मारता है, और एक गाड़ी भी यहीं पे टहल रही होती है। तो पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ, मेरा कोई किल ना ले जाए। और इतने भैया जी हमें अंदर दिखते हैं, ये भी पता नहीं कहीं और ही देख रहे थे, मुझे लगा देखेंगे, तो इसे भी मारता हूँ मैं। तो मैं इसमें से गन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। फिर से मुझे M4L मिलती है, वापस उठाता हूँ M4L। और वो जो गाड़ी रुकी थी, अब मैं उनको देखता हूँ, वहाँ पे वो कर देते हैं स्मोक, और दिखती है मेरे को गाड़ी। तो मैं पहले गाड़ी के कर देता हूँ टायर पंचर सारे। मैं इतने सारे तरफ देखता हूँ, भैया जी दिख नहीं रहे थे। इतने मुझे भैया जी दिखते हैं लेफ्ट से भागते हुए। तो मैं जाता हूँ बाहर, यहीं से देखने की कोशिश करता हूँ। इतने बंदों को देख ही रहा था, तो एक भैया जी मुझे दिखते हैं पेड़ के पास। तो इसे मैं करता हूँ नोक, 4x में यूज़ ही नहीं करता, इसकी सेंसिटिविटी नहीं कर रखी मैंने, साला गंदा लगता है मेरे को बहुत। तो मैं सोचता हूँ रश कर, अब रश करना ही पड़ेगा, जाता हूँ मैं इतने रश करने। तो अब गाइस स्पीड देखना भैया जी की, हमारे इतनी जल्दी रिवाइव कर दिया हमारे भैया जी ने। मैं पूछता हूँ तो रिवाइव मिलते हैं हमारे को, तो मेरे को लगता है पेड़ के पास ही है। तो वहीं पर मैं फायरिंग मारता हूँ। इतने मैं राइट से जाता हूँ, तो भैया देखो एक और नागिन है, मारती है, कहीं और ही देख रही थी। तो इसे नॉक करता हूँ, पीछे आता हूँ वापस, तो इसे मैं पूरी फिनिश भी कर दूँगा। और एक भैया जी की मेरे को पोजीशन पहले से ही पता है, पेड़ के पीछे हैं, तो ओपन से जाऊँगा तो मार देंगे। तो प्यारा सा नेट कुक करके फेंक देता हूँ उसके पास, हमारे भैया जी फट जाएंगे। अब टाइम है गन चेंज करने का, देखते हैं कौन सी गन है इनके पास। AKM और बैरल, अब उस भैया जी पास देखते हैं। M4 मिल जाती है मुझको, तो इन्हें लूटते हैं, निकलते हैं आगे। अब मैं उधर से लूट के आता हूँ इधर, इधर से आ रही होती है मेरे को फायरिंग। तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है इधर। और इतने में आती है इधर एक गाड़ी, तो मैं देखता हूँ राइट जाता हूँ पहले पत्थर की तरफ। यहाँ से तो व्यू मिल नहीं रहा था इनका, अब मैं आता हूँ सीधा इस पत्थर पे। कभी लेफ्ट से फायरिंग हो रही थी, कभी राइट से फायरिंग हो रही थी, और एक बारी तो पीछे से भी फायरिंग होगी मेरे। तो मैं पहले देखता हूँ राइट में, देखता हूँ यहाँ पे मेरे को कोई दिखता नहीं, लेफ्ट में देखता हूँ कोई भी नहीं दिखता। तो मैं आराम से आता हूँ प्यारे बच्चों की तरह पत्थर पर बैठता हूँ सामने देखते देखते। और मैं आराम से यहाँ बैठा रहता हूँ और राइट में देखता हूँ। इतने मुझे पीछे से कोई मारेगा और मेरी हेल्थ रह जाएगी थोड़ी सी, मेरी इतनी गंदी फटती है। मैं भागता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, देखता हूँ यहाँ पे कोई है तो नहीं, और सीधा गाड़ी में बैठूँगा उसी टाइम फायरिंग चालू हो जाएगी मेरे पे। अब एक भी गोली कनेक्ट हो जाती मेरे पे तो मैं उसी टाइम मर जाता। सीधा मैं रोकता हूँ इस वाले घर में, जल्दी से उतर के हेल्थ पूरी करता हूँ पहले अपनी। इतने मैं यहाँ आके आराम से देखता हूँ, मुझे भैया जी दिखते हैं। इसको भी दो हिट मारता हूँ, और ऊपर वाला भी मार रहा होता है साथ साथ मेरे मिनी से। इतने मैं देखता हूँ भैया जी उसको ख़त्म ही कर देते हैं हमारे ऊपर वाले। इतने मैं आराम से यहाँ पे बैठता हूँ, मेरे को आते हैं पीछे से पैरों की आवाज़। तो मेरे को पक्का पता लग गया था, एक बंदा जानबूझ के गोलियाँ चला रहा है और एक बंदा मेरे पे रश करने की कोशिश कर रहा है।
और मुझे भैया जी दिख भी गए थे मेरे को, दोनों दिख गए थे अब तो, दोनों ही आ चुके थे। वो भी मेरे को देख चुका था, मैं भी उसको देख चुका था। वो भी अब घर में घुस जाएगा, मैं थोड़ा बहुत टैग करता हूँ इसको। अब ये घर के अंदर से निकलेगा और अब गाइस देखना क्या ही बचूंगा मैं। शुक्र है अब ये दोनों नहीं आए थे। मैं जल्दी से अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ, क्या पता कोई पीछे से आके मेरे को मार दे। और होगा भी गाइस अब यही। अब मैं हेल्थ करके आता हूँ, इधर आराम से बैठता हूँ। इतने मुझे आते हैं पीछे से फुटस्टेप्स, और अब देखना गाइस क्या ही स्कैम होगा भैया जी के साथ हमारे। मेरे को पता लग गया था यहीं से घुसेंगे, अंदर घुसने से पहले ही मार देते हैं उन्हें। मेरी इतनी गंदी फटी पड़ी थी, अब कहाँ छुपूँ कहाँ नहीं। इतने में यहाँ देख रहा होता हूँ तो मेरे को भी मारता है कोई गोली पीछे से, तो मैं यहीं लेट जाता हूँ आराम से, पहले बैंडेज करता हूँ। अब मैं यहाँ से उठ के निकलता हूँ, मेरी इतनी फट चुकी थी, सामने वाले घर में जाता हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर का व्यू मिलेगा और नीचे नागिन बनी हुई है, मेरे को आराम से स्पॉट होएंगी। अब यहाँ आके मैं आराम से बैठता हूँ, मुझे भैया जी भी दिख जाते हैं। भैया जी हमारे आराम से आते हैं भागते हुए, तो इन्हें इतना टैग करूँगा पता नहीं क्या, बस बच गए। और अब देखना गाइस कहाँ ही गायब हो जाएंगे हमारे भैया जी। चारों तरफ देख लूँगा, मैं इतना डर लग रहा था फिर भी मैं देख रहा था इनको। पर रिकॉर्डिंग में मैंने देखा ना तो मेरे को ध्यान नहीं दिया था मैंने, फुटस्टेप्स तो सामने जिस घर से मैं भाग के आया था वहीं के ही आ रहे थे, रिकॉर्डिंग में चेक किया मैंने। तो मैं आराम से आगे इधर बैठता हूँ, मेरी इतनी गंदी फट चुकी थी, अब क्या ही होगा। और इतने मुझे दिखते हैं सामने भैया जी ओपन में भागते हुए, तो पहले तो इन्हें करते हैं नोक, अभी से जल्दी से फिनिश भी करना पड़ेगा। और मेरी इतनी गंदी फट भी रही थी तो गाइस देखना कैसे ही मारूंगा, कहीं और ही लग रही होगी गोलियाँ। और नीचे बंदा आ चुका था तो मैं वापस अभी से मारता हूँ, अब मैं इसे पूरा फिनिश भी कर दूंगा, एक दो गोली में ही हो जाएगा। और भैया जी हमारे आ गए थे अब सीढ़ियों में, मुंडी दिखती है भैया जी की। और अब गाइस देखना क्या ही बचूंगा मैं, क्या ही एम लिया इतना गंदा मैंने। और अब मेरी गोलियां गई रीलोड पे, और मैंने डीपी भी चेंज नहीं करी, जल्दी से रीलोड हुई और इसे करता मैं ख़त्म। भाई क्या ही बचाऊँ इस बारी, अब मैं जल्दी से इसकी गन चेंज करनी पड़ेगी अब मेरे को। मुझे फिर से M4 मिल जाती है तो मैं M4 लेता हूँ। इतने में गन चेंज करता हूँ, मुझे दिखते हैं सामने से दो बंदे भागते हुए सीधा वेयर हाउस में घुसते हैं। एक को मैं थोड़ा सा अटैक करूँगा, बस एक दो गोली लगती है। अब मैं सोचता हूँ इस पे रश करने की, बंदे रह गए थे तीन, दो की मेरे को पोजीशन पता थी, एक की नहीं पता थी। अब वो एक बंदा किधर ही होगा, कहाँ ही सांप बन के बैठ गया हो। तो मैं आराम से जाता हूँ यहाँ से, कूद के ब्रोकन वॉल की तरफ से जाऊँगा। अब मैं इधर से ब्रोकन वॉल से आराम आराम से जा रहा होता हूँ। दो बंदों की तो पोजीशन पता ही थी और एक बंदा मेरे को नहीं पता था कहाँ ही हो, मेरे को लग रहा था मेरे पीछे ही ना बैठा हो, इतनी गंदी फट रही थी मेरी इस समय बस। और अब मैं सोचता हूँ मैं यहाँ पे भी गलत बैठा हूँ क्योंकि वेयर हाउस वाला मेरे को आराम से यहाँ से देख सकता है, तो मैं यहाँ से भी अपनी जगह चेंज करता हूँ, पीछे देखता देखता चेंज करता हूँ। पर क्या पता पीछे से मार दे। इतने मुझे भैया जी दिखते हैं ब्रोकन वॉल की तरफ, मैं यहाँ से जगह भी चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ से भैया जी को अब सपोर्ट कर रहा था, इतने में आता हुआ फ्लाइंग नेड जो मेरे सामने गिरेगा और मेरी इतनी गंदी फटती है। शुक्र है थोड़ी क्लोज नहीं आया, नहीं तो यहीं पे गेम ख़त्म थी मेरी। अब मुझे ढंग से पोजीशन पता लग गई थी भैया जी को, एक वेयर हाउस में था और एक ब्रोकन वॉल के पीछे खड़ा था, तो मैं पहले तो ब्रोकन वॉल वाले को मारता हूँ। क्या ही बचा भाई, क्या ही बचाऊँ। जल्दी से पूरी हेल्थ करता हूँ, मेरे को लग रहा था इसका प्लेयर आएगा, वो करता है यहाँ पे स्मोक। वो अभी भी चाहता था कि रिवाइव मिलेगा, मेरे को लगता कि नेड है पर दिखता है स्मोक है। मैं अभी स्मोक होने का इंतज़ार करता हूँ, स्मोक होएगा तब जाके मैं उसको फिनिश करके आता हूँ, तेरे को रिवाइव नहीं लेने दूँगा। और इतने में भैया जी आ भी जाते हैं उसको रिवाइव करने, यहाँ आके आराम से बैठ जाएंगे। तो करता हूँ इन्हें भी ख़त्म, पता नहीं कहाँ ही देख रहे थे। रम्मी से गन चेंज करता हूँ और मिलती है मुझे MK, अब मैं MK लूँगा। अब बंदा बचा था सिर्फ एक, मैं अब कूदा फानिया कर रहा था यहाँ पे, मज़े ले रहा था, अब तो जीतेंगे मज़ा आएगा।
इतना मैं पता नहीं ओपन, और मेरे को जोन में भी जाना है पूरा ओपन। मैं यहाँ भी आता हूँ पर यहाँ पे मेरे को लगता है भैया जी नहीं होंगे, और स्मोक जोन भी आ चुकी थी, तो मैं यहाँ करता हूँ दो स्मोक और एक स्मोक हो जाएगा थोड़ी दूर, तो भैया जी को लगता है कि मैंने नेड़ करा है। यहीं भैया जी हमारे साफ बने पड़े थे, आते हैं भैया जी तो करते हैं इन्हें ख़त्म। तो गाइस ये चैलेंज कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़। और हाँ गाइज़, इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।